वेलकम बैक नाजरीन। हाँ पीपल्स पार्टी के मार्च से असं गल हाँ पीपल्स पार्टी के अगवान हैं सादिया जावेद साहिबा मूसा गर मौजूद हैं फोन लाइन से। सादिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया साहिबा कैसा जा रहा है आपका मार्च और इस वक्त कहाँ पर आप लोग मौजूद हैं, कैसा जा रहा है आपका मार्च? जी हमारा मार्च तो जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन से कामयाब मार्च है। पाकिस्तान के दिलों लोगों के दिल में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बसते हैं और इसीलिए सिंध में उनका वालेहाना इस्तकबाल हुआ है और अब से कुछ देर में जो है चेयरमैन साहब पंजाब में दाखिल हो रहे हैं और वहाँ भी बेपनाह लोग जो हैं उनके इंतज़ार में खड़े हैं और उनका उसी तरह इस्तकबाल होगा जैसे सिंध में हुआ क्योंकि पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर है। ठीक है, लेकिन आपके मुखालफिन को ऐसा नहीं लगता, वो ये कह रहे हैं कि सिंध में तो आपकी हुकूमत है भरपूर तरीके से, फिर सरकारी मशीनी का इस्तेमाल हुआ, ऐसे कुछ इल्जाम उनके हैं। ये भी कह रहे हैं कि अब सिंध में वालेहाना इस्तकबाल हो सकता है लेकिन पंजाब में बड़ा मुश्किल है वहाँ पर दाल गलाना। नहीं नहीं वो भी देखेंगे, वो भी देखेंगे चेयरमैन साहब। अभी अभी तो सिंध में ही थे तो पेट्रोल और बिजली की कीमतें आपने गिरा दी, कम कर दी, तो अब देखते हैं पंजाब में दाखिल हो रहे हैं तो उसमें देखते हैं कि और क्या इमरान खान लोगों को ऑफर करता है। जो आदमी लोगों के जनाजे में नहीं जाता, अपने दोस्तों के जनाजों में नहीं गया, जो 40-40 साल की दोस्तियां थी, वो चौधरी शुजात की तबीयत पूछने पहुंच गया, जहांगीर खान तरीन को लंदन फोन करके खैरियत दरियाफ्त कर ली, तो ये हमारे लॉन्ग मार्च के असरात ही तो है। अभी आगे देखें कि क्या होता है और अभी तो आज तो पंजाब का सफर शुरू हुआ है, तो जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो नजर आएगा। हमारे मुखालफिन बहुत बातें करते हैं, सिंध तो वो आए शाह महमूद कुरैशी, तो वो भी सिंध हुकूमत ने उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया है, पुलिस के कॉन्वॉय उनके साथ भी चल रहे और हमने कोई आपसे पहले उनसे बात हुई शाह महमूद कुरैशी साहब से, वो तो बड़ी शिकायतें कर रहे थे, घिला कर रहे थे कि हम तो बड़े पुरमन लोग हैं लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने काफी जगहों पर उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ा। नहीं जी उनको कोई रुकावट कहीं नहीं हुई, उनकी खाली कुर्सियों से खिताब करते रहे शाह महमूद कुरैशी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को पता चल गया कि सिंध के मुरीदों ने भी उनको रिजेक्ट कर। ठीक, आपने कहा कि आपके दो दिन की मेहनत के असरात नजर आए, अवाम को रिलीफ मिला और फिर आपने जिक्र किया कि वो हलीफ जो याद नहीं थे हुकूमत को वो भी उनको याद आ गए, लेकिन अब हुकूमत ये कह रही है कि हमारे इस मार्च का या वजीर आजम साहब के एक्टिव होने का उनके उसके तो फौरी असरात नजर आए। इतने दिनों से जिस मिशन अदम एतमाद वाले मिशन को लेकर अपोजिशन सरगर्म थी उसके गुब्बारे से अब हवा निकल गई। नहीं देखें ये तो सबको बड़ी जल्दी है कि जल्दी से अदन एतमाद आ जाए और इनको फिक्र है, परेशानी है। हमने कोई तारीख तो दी नहीं थी, हमने कहा था जिस दिन होमवर्क हो जाएगा पूरा और उस दिन जो है तहरीक अदन एतमाद पेश कर दी जाएगी। ठीक, लेकिन वो कहते हैं कि जिनके आसरे पे आपने होमवर्क मुकम्मल किया था या करने वाले थे नहीं, अब उनका आसरा नहीं रहा। मेरी बात सुने, एम्पायर की उंगली के आसरे पे 126 दिन का धरना, नाकाम धरना हुआ था बड़ी माजरत के साथ कि आप चैनलों ने उसको खाली कुर्सियों को लाइव चलाया था। हम तो आपके धरने भी आपके लॉन्ग मार्चेस को भी लाइव चला रहे हैं सादिया साहिबा। तो वो लेकिन हमारे लॉन्ग मार्चेस खाली नहीं ना, आप खाली कुर्सियों को जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर खिताब करते फिर रहे हैं, हाँ वो आप जरूर इसका तो क्रेडिट दे, हमें पहली बार की तारीख में हमने देखा है कि पहली बार बड़ा अनोखा और दिलचस्प वाकया है कि दोनों इख्तदार में बैठी हुई पार्टियां, आप सिंध हुकूमत चला रहे हैं, वो वफाक को चला रहे हैं, दोनों एहतजाज पे हैं, दोनों सड़कों पर हैं और फिर भी हम दिखा रहे हैं कि सिंध हुकूमत बिल्कुल पाकिस्तान का हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन पाकिस्तान के लीडर हैं और वो पाकिस्तान की लोगों के लिए घरों घर से निकले हैं, ये काफला चला रहे हैं, ये काफला चला रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो सिंध के हुकूक की बात करने और मार्च करने निकल पड़े हैं, आप मुझे ये बताएं, वो तो कहते हैं हम कालाबाग डैम बनाएंगे, वो तो सिंध की गैस नहीं देते पूरी, कटौती करते,
वो कहाँ कौन से हुकूक देने से उनको निकल पड़े? फिर वो हुकूक नहीं देते देने, इसीलिए तो उनको वोट नहीं मिला, इसीलिए तो मैंडेट आपको आवाम ने दिया सिंध के, इसीलिए तो सिंध के आवाम ने आपको वोट दिया ना? लेकिन वो फिर सवाल कर रहे हैं कि आप उनके हुकूक की बात करने के बजाय आप निकल पड़े हैं मुल्क को बचाने। हाँ तो हम मुल्क को भी हुकूक जो पीटीआई ने इस मुल्क में इस पाकिस्तानी आवाम के हुकूक सल्व किए हुए हैं, इस वक्त पाकिस्तान की आवाम तकलीफ में है, इसलिए हम निकले हैं। तो पहले अपने घर को ठीक करना जरूरी नहीं समझे पीपल्स पार्टी ने? देखिएगा ये काफिला बढ़ता जाएगा बेनजीर भुट्टो की तरह, बिलावल भुट्टो जरदारी भी चारों सूबों की जंजीर है और वो इंशाल्लाह जब इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो इस सिलेक्टेड खान को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की आवाम, वो तो कहते थे 50 बंदा मेरे खिलाफ नारा लगाएगा तो मैं हुकूमत छोड़ दूंगा मैं, लेकिन आज तो पूरी कौम उनको उनके खिलाफ नारे लगा रही है लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे आवाम का समंदर पहुंचेगा। ठीक सर, आप तो फिर से चारों सूबों की जंजीर बन जाएंगे, एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, पार्टी के हवाले से तो बड़ा अच्छा होगा। सिंध की आवाम को क्या मिलेगा इन रिटर्न इस एक्टिविटी से? देखिए जो उनके हुकूक इस हुकूमत ने जिसमें जहां उनके साथ बदयांती की है उसके लिए हम आवाज उठाते रहेंगे और जहद करते रहेंगे ठीक, और ये जंग आवाम ही जीतेगी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कयादत में ही जीतेंगे। ठीक, वो आपके मुखालफिन कहते हैं कि ऐसा ना हो आप मुल्क बचाने निकले और सिंध से भी हाथ धो बैठे हैं, थोड़ा सा ख्याल कर लें क्योंकि वो कह रहे हैं हम बड़ी तैयारी से आए हैं सिंध में इस बार। बात ये है कि जिस तरह ये लाए गए थे ना धूम धड़क्के से बारात आई थी, अब उसी धूम धड़क्के से ये बाहर भी निकलेंगे, इनका जनाजा जो है ना उसी धूम धड़क्के से निकलेगा, फिक्र ना करें। सिंध के अवाम बहुत बाशऊर हैं, उन्होंने पहले ही पाकिस्तान के तीन सूबे धोखा खा गए इनके हाथों से, लेकिन सिंध के अवाम बाशऊर हैं। अब बाकी भी पाकिस्तान के अवाम जो है ना इनको तारीफ करेंगे और आप देखेंगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान। ठीक सादे साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, सादे जावे जो गालियों में बुधूँ हैं उन्हें ये चवण है तो जो इन वक्त नज़र अचे पो तो हुकूमत एक आवाम के लिए रिलीफ जो ऐलान किया है, बोलें इतिहादन से वन शुरू किया, उनके लिफ्ट कराने शुरू किया है, तो उन हवाले से वो समझन पाया थी समूरों क्रेडिट ऑपोजिशन के दियण खपे। इतिहादन का भी थोड़ा पूछूँ था बी ए पी पार्टी से तालुक रखा दिनेश कुमार, सेनेटर दिनेश कुमार मूसा गुड इन वक्त फ़ोन लाइन से मौजूद हैं। दिनेश कुमार साहब अस्सलाम वालेकुम। दिनेश साहब मेहरबानी वहाँ वक्त कढ़ो प्रोग्राम के लिए, हाँ ऑपोजिशन चे पी तो असो क्रेडिट दियो असानी मेहरबानी से असाजे प्रेशर के करे हुकूमत के पैं इतिहादी हाँ याद पे अचन अवहाँ जो वारो कद पो अचे? जी बिल्कुल अची चुको है और वाकई क्रेडिट दूँ ऑपोजिशन के मिनिस्टर काफ़ी अड़ा मिनिस्टर हुआ जो चवंदा ना जैसे गर्दन में सरियो अड़ा हुआ वो भी हाँ असा अचन था पाया असा मिलन था पाया कमकार के हवा से पुछन था काफ़ी फर्क पो आ बिल्कुल मैं एप्रिशिएट तो क्या अपोजिशन यह क्या जैसे कर हाँ हुकूमत आवामी थी वही है। ठीक, कुछ खदशन जो इजहार पे डीन में असा याद आए तो ऐवान अंदर भी थो हो वजारतुन के मामले से खासकर जहाँ चो तो एप्रिशिएट कर पाया ऑपोजिशन के क्रेडिट भी दियो पाया तो हाँ जैसे अवान जो वारो पैर तो कदें पो अचे वो भी थोड़ा शेयर किया जैसे अचे इंद तो उन अवान उन्होंने वन चाहो चवण चाहो कड़ा खदश सामू रख रखा वा बलोचिस्तान अवामी पार्टी की मीटिंग थी और असा यो ही फैसलो किया तो जो असाजे लाए बलोचिस्तान के लिए और मुल्क के लिए बेहतर होंद उ असा फैसलो कंदे और इन सिलसिले में हाँ जो बिन्न तरफों असा के पेशकश आन और असा इन शो बायदगी से एक कॉन्फ्रेंस का जायजो वी कोई फैसलो कंदे
और असा जे के ऑप्शन बिल्कुल ओपन है। ठीक है, पर दिनेश कुमार साहब हाने अवां के जरूर जरूर अवां में बुदो हुंदो छाकण त जेको चौधरी भाइरन जे वारे सां गालियूं सामू पे आयूं त उन्हनि को वॾो मुतालबो कयो पंजाब जी वज़ारत आला जो जेको मुतालबो मथां किथां खां वीटो थियो ऐं उन खां पोइ असां ॾिठोसीं त काल्ह जेका वज़ीर आज़म साहब जी मुलाक़ात थी उन में इहे ॼाणायो पियो वियो त हाणे शायदि हुकूमत ॼाणायो पई त को मुतालबो या का गिव एंड टेक वारी ॻाल्हि नथी आहे, पर ज़रिया ॿुधाइनि पिया त के मामला ज़रूर गौर हे चाया हूंदा त उन वारे सां अवां छा पिया ॾिसो, छाकाणि त हीअं न थिए जो किथे मुलाक़ातूं जॾहिं अवां जो वारो अचे तॾहिं हुकूमत वटि आछण जे लाइ या ॾियण जे लाइ कुझु घणो कुझु ख़ासि बचे कोन। न तव्हां ॾिसो न, असां इहो ई फ़ैसिलो कयो आहे त जीअं बलूचिस्तान सां 3.5 सालनि में ज़्यादती थी वई आहे, तव्हां ॾिठो त असांजो शेयर असांखे न मिलियो आहे और ना ई असांखे का अहिड़ियूं मतिलबु जेकी बलूचिस्तान जे हवाले सां फंडिंग जे हवाले सां असांजा कम थिया, असां इहे पंहिंजा सॼा पहिरें नंबर ते गवर्नमेंट जे साम्हूं रखंदासीं। अगरि गवर्नमेंट असांजे इन मुतालबात खे मंज़ूरु कई त असांजो बिल्कुलु असां रहंदासीं और असां ब्लैकमेलिंग वारी सियासत न कंदासीं, बिल्कुलु असां जेको बलूचिस्तान जे मुफ़ाद में, पाकिस्तान जे मुफ़ाद में ऐं बलूचिस्तान अवामी पार्टी जे मुफ़ाद में जेके फ़ैसिला हूंदा उन ते ई असां लॻंदासीं। ठीकु आहे दिनेश कुमार, गॾो गॾु इहा ॻाल्हि जेका साम्हूं अचे पई, हुकूमत दावा करे पई त हाणे कालो की जेका मुलाक़ात थी आहे चौधरी भाइरनि सां, जहांगीर साहब सां फ़ोन ते राब्तो थियो आहे, ॿियनि इतिहादनि सां ईंदड़ ॾींहनि में मुलाक़ातूं एक्सपेक्टेड आहिनि, त हुन खां पोइ हाणे अदम इतमाद वारी जेका ऑपोज़िशन जी समूरी रांदि आहे उहा त उन्हनि जो त खेल ख़तमु थी वियो, अवां बि ईअं सम्झो पिया? न न, खेल मुंहिंजे ख़्याल में जेका सियासी टेम्परेचर इस्लामाबाद में आहे उन को त नथो लॻे त खेल ख़तमु थियो आहे और इहो खेल हलंदो, छा जो हे जेका अपोज़िशन जे लाइ बि डू और डाए वारो सिलसिलो आहे, त इन लाइ इहो मार्च जे आख़िर ताईं इहे शयूं चवंदा न जीअं सियासी बादल अञा गहरा थींदा छुटंदा न, 31 मार्च खां पोइ ई क्लियर पवंदी। ठीकु आहे, त चई सघिजे थो त अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीकु आहे दिनेश साहिबु, हाणे ज़ाहिरा जॾहिं अवां पंहिंजा ख़दशा त वॾे वाके ऐवाननि अंदरि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते साम्हूं ईंदा रहिया पिया, इतिहादी बि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते पंहिंजूं ॻाल्हियूं कंदा रहिया, पर ऑपोज़िशन इहा बि दावा करे पई त 20 खनि अहिड़ा MNAs आहिनि हुकूमत जा जिन सां एडवांस लेवल जा राब्ता हलनि पिया इतिहादनि सां राब्तनि जी, हू पंहिंजे हवाले सां उहा बि दावा हुननि जी बदस्तूर हिन वक़्तु ताईं हुन ते क़ाइमु आहिनि। अवां सां कहिड़ा अवां जे साम्हूं अहिड़ी ॻाल्हियूं अचनि पियूं, हुकूमत डिनाए करे पई पर ऑपोज़िशन जेका दावा करे पई, अवां खे लॻे पियो त हुन दावा में को वज़न आहे? कहिड़ा माण्हू हुकूमत जी सफ़ुनि में मौजूदु आहिनि जेके नाराज़ आहिनि हुकूमत खां? बिल्कुलु जी, अहिड़ा काफ़ी माण्हू आहिनि जेके PTI सां तालुक रखंदा आहिनि, असां सां बि मिलंदा रहंदा, त उहे बि काफ़ी हद ताईं उन्हनि खे बि रिज़र्वेशन आहिनि और थी थो सघे हाणे मलालम थी थो सघे उन्हनि ई माण्हुनि सां अपोज़िशन जो राब्तो हुजे। काफ़ी दफ़ा असांजे स्टैंडिंग कमेटी या असांजे साम्हूं उन्हनि पंहिंजी गवर्नमेंट जे ई हवाले सां काफ़ी ख़दशा जा मतिलबु उहे इज़हार कयो अथऊं, थी थो सघे उहो अपोज़िशन सां मिलियल हुजे, इन में कोई दौर आहे न आहे त उन्हनि में बि नाराज़गी आहे। ठीकु आहे, ऐं दिनेश साहब जीअं अवां ॻाल्हि कई त अवां उहे मिनिस्टर उहे वज़ीर जंहिंजे गर्दननि में सरिया लॻल आहे उहे बि हाणे राब्तो अवां सां कनि पिया, जेकॾहिं थोरो ॿुधाए छॾियो त राब्तनि जो मक़सदु छा पियो ॿुधायो वञे, जेके मुलाक़ात थियणु वञे पई छा उनजो टाइम वग़ैरह को तय थियो आहे, का ॻाल्हि थी आहे उन ते अॻियां? न, जेके पहिरियों असांजी ॻाल्हि न ॿुधंदा बलूचिस्तान खे नज़रअंदाज़ कंदा, असांजी ॻाल्हियुनि खे नज़रअंदाज़ कंदा, हाणे असां सां ईअं था मिलनि जीअं सफ़ा हिकिड़ा मिठड़ा थी करे मिलनि था पिया, पहिरियों त सफ़ा ईअं जीअं ॿुधो त न कारे करेला जीअं कोड़ा हूंदा आहिनि अहिड़े तरीक़े सां मिलंदा, हाणे हाणे उन्हनि में इहो कम सां कमु फ़र्क़ु पियो आहे, इन अदमे इतमाद जे जेको हवाले सां ऑपोज़िशन सरगर्म थी आहे उन खां पोइ ही तब्दीली आई आहे मिज़ाजन में रवैयनि में। बिल्कुलु बिल्कुलु, इन में को शक न आहे, इन में को शक न आहे और इन सां वॾो फ़र्क़ु पियो आहे और इहे असांजे मुफ़ाद में आहे और असां चऊं था त असांजो इहो ई आहे त इन गवर्नमेंट सां हलूं, पर असांजा जेके मुतालबात आहिनि इहे गवर्नमेंट मञींदी, असां बिल्कुलु हिन इत्यादी आहियूं। थोरा मुतालबा जेकॾहिं उहो शेयर करे छॾियो ऐं इहो बि गॾो गॾु त हुकूमत हाणे केतिरे हद ताईं पंहिंजो रास्तो ॾेखारियो आहे उन मुतालबनि जी मञता जे हवाले सां? मुतालबात असां जेको असांजी सेंट्रल कमेटी जे हवाले सां जेके बि आहिनि मुतालबात उहे फ़िलहालु असां पेश कया आहिनि, उनखे असां ॾिसो, उन मुतालबात में तव्हां इहो सम्झो त असां जेको असांजे जाइ वज़ारतनि में जाइ शहर असांजे बलूचिस्तान जी डेवलपमेंट जे हवाले सां और बलूचिस्तान में जेके बि तरक़ीअ थी कमनि उन जी तकमील जे लाइ सिर्फ़ु ऐलानात में जेके बि ऐलानात थिया
उन्हीं की तकमील ले लाए। ये असा मेजर मुतालबात और ये मुतालबात जो पीटीआई की हाई अथॉरिटीज उनके दिनो हुआ और मुझे ख्याल इन फैसला यो है ठीक त दिनेश सर टाइम तो क्रूशल आ ऑपोजिशन एकड़ो मार्च पीपल्स पार्टी जो हले पियो हु भी पुरमीद नजर अचन था त पेंजे असा जे इस्लामाबाद पहुंचन ताई अन्या वधिक कुछ सरप्राइज नजर इंदा बियो मार्च 23 तारीख ते एक्सपेक्टेड आ त टाइम तो वनी ही 22 दिन बचान त इनन दौरान ही तहां जी भी मुलाकात थेणी आए का शेड्यूल थी चुकी आए जी जी असा सर हफ्ते में आए रातो हले पियो जी परवेज खटक साहब आ बया काफी रबते में आन जो असानी लीडरशिप आ तमाम उन रबते में और इन सिलसिले में असानी पार्टी मीटिंग भी थी और इन इन हवाले से असो लायापल भी तैयार क्यों था पाया पर असो यो असूली मौकफ ब्लैक मेलिंग की सियासत में ना अस यकीन बयान ही वाइन्दे और 100% गारंटी वाले गारंटी वे बकाया असो फिलहाल कोई इरादो ना तो इन गवर्नमेंट के छे कर अपोजिशन का ऑपोजिशन के भी ग्रीन सिग्नल ले सको था बलोचिस्तान में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मुफाद में और मुल्क के मुफाद में रियासत पाकिस्तान मुफाद ठीक पर हाँ जी चो तो हाँ रवैया तब्दील थे वहाँ से रबता भी बार बार थन पाया तो अवं कुछ तो रीड कर हों तो हाँ हुकूमत के रवैये से गड़ोगर जहाँ मुतालबा मन केतरी हद तुम मुतालबा वहाँ मनी था कड़े हद गारंटी दई सकता उनमें भी तब्दीली ऐसो पाया ठीक दिनेश साहब बड़ी मेहरबानी जी नाजन इन वक्त असा गुड मौजूद हैं जी डी से ताल्लुक रखा सीनियर अगवान हैं शहरयार महर साहब शहरयार साहब अस्सलाम वालेकुम शहर साहब थैंक यू सो मच टाइम कढ़ो अवं जी समूरी सूरत हाल अवे सामू है इन वक्त स्पेसिफिकली सवाल कद वजीर आजम साहब इतिहादन के राजी करण वाला मिशन से निकतल हैं अवान जो वारो कदें पो अचे मूंखे अञा सही अपडेट नाहे त कुबीर साहब सां या असांजी पार्टी लीडरशिप सां उन्हनि जो कहिड़ो राब्तो थियो आहे या न ठीक पर बहरा समझो पे तो एक सुठो मौको आसानी बेन इतिहादन से जैसे गाल थे थी तो हु या गाल कन था तो सफा असा का लिफ्ट को हुई का याद न हुई ऑपोजिशन की मेहरबानी आज उन्होंने प्रेशर डेवलप किया हुकूमत के असा याद अची वे अवा भी यही समझो पे न एडा बुरा हाला तो न हो ठीक राबो जरूर हो घड़ियों कोतायू घड़ियों हुई पर इन गवर्नमेंट जो ये कोतायू हर जाए से आन इन छड़ो असान कई भी शाली नी वे तो यो एक जगह से पांच जगह से प्रॉब्लम है जो सब फेस करन था ठीक मां त ही फर्स्ट टाइम असीं त ॾिसूं पिया तव्हां बि ॾिसो पिया त ही जेका सूरतयाल असांखे नज़र अचे पई त दिलचस्प सूरतयाल आहे ॿई इक़्तदारी पार्टियूं पीपल्स पार्टी ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ॿई हिन वक़्तु हिक ॿिए ख़िलाफ़ु हिक ई टाइम ते रोडनि रस्तनि ते आहिनि असां त ही अनोखो ऐं दिलचस्प वाक़ियो पहिरियों भेरो पिया ॾिसूं अव्हांखे कुझु यादि अचे थो या अव्हांजी बि अहिड़ियूं फीलिंग्स आहिनि न मां कुझु फीलिंग शेयर थो कयां त काफ़ी इंट्रस्टिंग सिचुएशन आहे कंसर्न आहे घणी JUI खे ऐं PMLN खे मां सम्झ खां ॿाहिरि आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं PTI जेके वाकई ॿई गवर्नमेंट में वेठियूं आहिनि त इहे कंहिंजे लाइ इहो शो थियूं करनि ऐं इहो छो था इहो शो थिए ॾिसो पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ शुरू कयो अॻु में बि जॾहिं PDM ठही त सभिनी खां पहिरियों हुन मां विथड्रॉ पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ जो हाणे बि मुंहिंजो इहो यकीन आहे अॼु ताणी त नो कॉन्फिडेंस मोशन वारी स्टेज ईंदी ही न अच्छा एको प्रेशर बिल्डिंग आहे हिकिड़ी पॉलिटिकल गेमिक आहे पॉलिटिकल गेम आहे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन मथां आहिनि इहे शयूं आहिनि पर हिन वक़्तु ताईं हुकूमत प्रेशर में अची त वई आहे इहो मञो था उहो हिकिड़ो ॾिसो हिकिड़ो आहे प्रेशर तव्हां मीडिया टिनि ॾींहंनि खां अगरि मीडिया ॾिसो त माण्हुनि जो हाउ फाटी थो पए त शायदि सुबुह सभु हुकूमतूं आहिनि सभु असां त उहो ई ॾेखारियूं पिया जेको असां ॾिसूं था वज़ीर आज़म साहब पाण वञनि था इतिहाद ई असांखे चवनि था त असां यादि ई न हुयासीं
तुम अगर मुझे बी ए पी वन से गाल थी चौधरी भारन पा मुलाकात क्यों एम क्यूम वन जहाँ खदशा सभी के सामू आन अवहां तहाद पारा मुख्तलिफ वक्त खदशा सामू इंदा रहा असि तो दिखाऊँ पे नजर अचे पो सूरत हाल ना बिल्कुल सही था चो मैं यो नो चवाना कुछ गलत था दिखारे पर मीडिया के हथ में होंड़ी शे केतरी इंपॉर्टेंस दीजिए इन वक्त जन असने मुल्क में शो ही यो है सब यहाँ ही हल हर न्यूज चैनल यो ही तो दिखाई जाहिर उन फील तो थे इंपॉर्टेंस है इन पर मैं यो तो समझा अनफॉर्चुनेटली हुकूमत की तरजीह ये मीडिया भी वही दिखारे पी सॉरी मुझे तो अनफॉर्चुनेटली जो हुकूमतू असन उन्न जो तरजीहत यही नजर अचन पे इन असा भी दिखाने से मजबूर आयो जरूर जरूर दिखारो चवण जो मकसद हो तो पीटीआई एंड पीपीपी की गवर्नमेंट एक बे कंफर्टेबल एक बे की सलाह मशवरे से अज भी हलंदा अच्छा। खिलाफ तकरीरू स्पीचेस कह ठीक है तो हि अवां वरी गाल पे कयो हि जका गाल मुख्तलिफ वक्तन ते सामू इंदी रही ते ऑपोजिशन जे पारा भी सामू इंदी रही खुद या गाल सामू इंदी रही ते पीपल्स पार्टी है बेसिकली इन में खामोश अंडरस्टैंडिंग मौजूद है अवां चो पे एकड़ी कंफर्म पे कयो तो खामोश अंडरस्टैंडिंग वाकई है पीटीआई पीपी में बिल्कुल मौजूद है दिसो तां ग्राउंड रियलिटीज दिसो मैच जा केस दिसो इमरान खान वन एजेंडा ते आयो ता मागे करप्शन खत्म करनी है देखे मानो पीपल्स पार्टी जहा अरेस्ट थे लास्ट भी जो सतर में वही लीडरशिप अरेस्ट थी उनते अपोलोजाइज कर नैब असो गलती थे थी सब शूं खत्म थी व्यू पर पंजाब में उ अ ग्रिफ्ट मजबूत थी क्यों सिंध में खत्म थन वरी अटॉर्नी जनरल खड़ो लोको मेंबर इलेक्शन कमीशन जो खड़ो सिंध में जे भी मूँ आज डी जी एफ आई ए खड़ो ये सब मूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ब्लैसिंग से रखा वा मरकजी इधार में ठीक आइने खामोश अंडरस्टैंडिंग दी जान हुंदे या उनके समझंदे बवा जाना हो पया तवा आज भी हुकूमत सा बिना के आछ जे बिना के मामरे जे मशरूत के शे जे अवा बिल्कुल गदा हुकूमत सा समझंदे न समूरी शे छो जो करे हुकूमत हटाएन इन मसले जो हल ना है ठीक अगर यो हल हो जान तो को जरूर असा इन में पार्टिसिपेट के हुआ हुकूमत हटाए केर आन्यो यही मानो पहलो को ये प्रेजेंट हुकूमत बेहतर पर समझो असा ठीक वो ही जेके एक्सरसाइजेस इन वक्त सांगे नजर अचन पयूं मार्चेस दी सूरत में इनन जो अच्छा नतीजो दिसो पिया इने रेडी से इनन जो एकडी पॉलिटिकल गेम थिंदो इलेक्शन वर्क थी वेंदी सबनी जी एकडो मोमेंटो बिल्ड थी वेंदो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ला जेका ड्यू आ सिंध में ए सबको पाजे घर लियो वेंदो पीपल्स पार्टी के वडी सक्सेस मिलदी सिंध में पांजी ठीक ठीक शेरा साहब वरी मेहरबानी मांजे नाज़रीन शेरा साहब सीनियर अगवान जीडीए जा उनन जी गाल बोल अवां बुधी उन अग शाह महमूद कुरैशी साहब सादिया जावेद साहिबा आई दिनेश कुमार साहब जो मौकफ़ अवां पण बुधो समूरी जेका सिचुएशन है वह असि अवां जे सामू रखंदा ही गुफ्तगु भी अवां जे सामू रखंदा इन उम्मीद ते तवां हमेशा जे पंहिंजे फीडबैक असां खे जरूर आगाह कजो वरी नए मौजू सां नए मेहमाननि सां जल्द अवां सां मुलाकात कंदासीं हिन न्यूज़ जो फॉलोअप अवां खे जरूर ॾियण जो सिलसिलो जारी रखंदासीं मूंखे ॾींदा इजाज़त अलाह हाफ़िज़।